अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज है जी पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था। तो आज जो है वो जोश और जज्बे से वो मनाई जा रही है 14 अगस्त, और सब जो है वो खुश हैं और खुशियां जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी इदारे इधर उधर सबको जो है ना वो 14 अगस्त को छुट्टी होती है। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अभी जो है ना हम 12:01 का टाइम है, अभी उठे हैं, क्योंकि मैं तो पहले उठी थी, मैंने नाश्ता वगैरह बनाया है, फिर मैं आके हसन जानी को सुलाने लगी तो मुझे नींद आ गई। अच्छा, हाँ जी। और अम्मी अबू जो है अभी आए हैं, तो उन्होंने हमें मुझे उठाया कि अभी भी सो रहे हो आप लोग। मैंने कहा हाँ, मैंने नाश्ता बनाया, हसन जाने को सुलाने लगी तो मुझे नींद आ गई। तो भाई जो है ना अम्मी और अबू जान आए हुए हैं आज, तो उनसे भी आप सबको मिलवाते हैं आज। है क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं बोलता भी नहीं। माशाल्लाह, कैसे हो? अभी अभी जो है ना ये नींद से उठा, खड़ा देखें आंखों में जो है ना वो आंसू हैं, क्योंकि जब बच्चा पहले पहले उठता है ना तो फिर रोता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तबीयत सिया ठीक है? माशाल्लाह, मज़े हैं। मज़े हैं। और सुनाएं जी आप, तबीयतें सीतें ठीक हैं? 14 अगस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, इसलिए ये इसने सब्ज कपड़े पहने हैं, उसने भी सब्ज कपड़े पहने हैं, और आपने थोड़ा 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 पीला दुपट्टा पहना है। मेरे शहजादे ने पहने 14 अगस्त के। नहीं, वो इस तरह सब्ज होते हैं 14 अगस्त के, ये और कलर है, ये और कलर है। वो पड़ा है आपका, उसको कहे नहाओ, कपड़े चेंज करो, कहते नहीं मैंने नहाना नहीं है, ऐसे चेंज करना। मैंने कहा चलो कमीज उतारो, हाथ मुंह धो के। कहते कमीज नहीं उतारो, ऐसे पता नहीं उस कमीज के ऊपर पहनना है इसने, पता नहीं क्या है। वो सो रहा है, वो नीचे फर्श पे ना। सही है। हाँ जी। और सब खैरियत है? आज घूम रहे हो? आज हमने सोचा 14 अगस्त ना, क्योंकि सारे दुकान बंद, आज से बंद होंगे ना। हाँ, ये सभी घूम फिर। सही है, 14 अगस्त मनाओ। सही है। जी अभी सुबह सुबह जो है, आज सुबह सुबह मेरी जेब थी खाली, और हमारे घर जो काम करने वाले आते हैं उन्होंने मांग लिया 500। तो फिर सुबह को मैंने कहा यार मेरे पास तो है नहीं, फिर इसने अपने अब्बू से मांगा, उसने दे दिया 1000। तो उनके पास खुले नहीं थे ना। तो फिर हमने अम्मी जान से पूछा, उसने कितने दिए? 500। तो ये 500 उनको दे दो और ये 1000 अपने अब्बू को वापस कर दो। अच्छा। हाँ, ऐसा ठीक है ना? फिर अम्मी जान का आप ये आपको वापस है ना? मैं बताती हूँ, 500 अब्बू का देना है, 1000 अम्मी का देना है। अम्मी कहते कल भी आपने लिए थे 500, लिए था। हाँ। 1000 अम्मी का हो गया, 500 अब्बू का हो गया। अच्छा, 1500 रुपए आपके ऊपर कर्ज है, आपने देने हैं। ठीक है, 1500 रुपए 500 अब्बू का, 1000 अम्मी का। अच्छा ठीक है, फिर मैं बताती हूँ 1500। फिर कहना 1500, क्योंकि लेने का पता नहीं चलता, जब गिनने पड़ते हैं ना फिर पता लगता है कि इतनी पैसे कहाँ से मैंने लिए। 1500। हाँ, वो 500 मैंने कल अम्मी से लिया था उधारा, ठीक है, और 500 आपने अभी लिया, 1000 हो गया। हाँ जी। और 500 जो हम दही मंगवाते हैं, हाँ, 5 दिन पूरे हो गए आज। हाँ। चलें, हम ना जब 5 दिन होते रहेंगे ना आपको 500 देते हैं। 1000 पे एडवांस दे देते हैं ना, 500 एडवांस दे देते हैं, फिर जो है ना 5 दिन सुकून से है गुजरेंगे। होंगे तो देंगे ना। कल से मैं उधारे ले रहा हूँ मम्मी से 500, कल तो उसने मैंने लिया है उससे। हाँ, वो जाएंगे ना शहर, चक्कर लगेगा फिर जो है ना। आज शहर खुला नहीं होगा? नहीं, आज 14 अगस्त। शहर तो वही खुला, एटीएम तो खुले हैं, जब आप दिल करे वो दुकानें भी खुली होंगी। इलेक्ट्रॉनिक वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, उसका पता नहीं है मुझे, पता करना पड़ेगा फोन करके। हाँ, नाश्ते का क्या करना? अच्छा, नाश्ते में क्या है? दही है।
दही होगी बची हुई है, तो सही है इतनी सी बची हुई है तो ये डोडा मुझे तो बहुत है ना। वो मांग रहा है बेबो, अब्बू जान के घर गया, वहाँ से इसने कॉल करवाया कि मुझे ना फिश चाहिए। अब्बू ने फोन किया, मैंने कहा हाँ थोड़े से रखिएगा तो उसके लिए रखना, वो रोटी नहीं खा रहा, उसने रोटी नहीं खाई, उसने कहा मैंने फिश के साथ खाना है। अच्छा, अब वो मैं आपको दे दूँ, फिर वो मांगे उसको क्या दूँ? अरबी रात वाले वो रखिए। हाँ तो अरबी ले आओ, दही ले आओ, अचार ले आओ, रोटी ले आओ, हाँ सारा कुछ खाऊंगा। हाँ और ये जो घड़े वाला पानी है ना ये भी पीना है मैंने। तो जी अभी जो है ना फ्रिज में देखते हैं, यहाँ पे दही अभी रखी हुई है, अंगूर रखे हैं और भिंडी, ये हमने कल पकानी थी लेकिन वो फिश ले आया था ना इसलिए अभी दही जो है ना ये उठा लेते हैं और उसके बाद जो है ना अभी चलते हैं। फिश और अरवी ले आई ना? ये लो ये भी डाल लो। ओ तेरी खैर, ये तेरी हैं सारी मक्खियाँ? मेरी नहीं, मैंने मोल लेके थोड़ी छोड़ी हुई हैं। और क्या किया हुआ है? वो खुद बा खुद आ गए। पता है मक्खियों का क्या है, इनको इधर डिटोल लगा दो। कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? मुझे कहती यहाँ पे आप आपको पता नहीं डेली किचन में आते हो ना, डेली वीडियो भी मौजूद पे नहीं है। मुझे बताओ मक्खियों के लिए क्या लेके आऊं? वो सब कमेंट्स में बता देते हैं, जब सुबह होते हैं दोबारा कैमरा उठा के आता है, फिर दोबारा पूछ लेता है, बस लेने का नाम नहीं है। तो डिटॉल मैंने कहा, अभी आपको कहा कि यहाँ पे डिटॉल मारो, ठीक है? नहीं, ये नहीं कहा कि, तो कह दो ना कि ले आओगे जब मार देंगे, बस जान छुट्टी। मैं तो देख करके बता रही हूँ, रोजाना तो पूछते हो फिर ले तो आते नहीं हो। ले आए तो आराम से मरिए मध्य, हमारा क्या बिगाड़ रही है, पड़ी रहे। मैं कहता हूँ इधर हजार मक्खी बैठी है, हजार और बैठ जाए, हमें नहीं मसला, कोई टेंशन नहीं। फिर क्या होगा, ये इतने सालों से तकरीबन 26 27 28 मेरी अभी 45 साल उम्र है। अच्छा, तो इस वक्त तक जब तो कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो आज ना दो मक्खियां मिक्स करके, ये ना पता ही क्या है, ये आपके ऊपर होता है कि हर चीजों को ढांप के रखें, ऐसे नहीं कि खुला छोड़ दें। तो ढांपी हुई है ये, उसको फिश तो गर्म कर दो बेबो को, ये इतनी बची हुई है जी, रात दो फिश थी, ये बहुत पटी हुई है, बहुत, ये चक ना पा रहे। मैं बताती हूँ, थोड़ी सी आपने कहा भाई को दो, उसको दे दे, रात बेबो ने थोड़ी सी खाए थे, थोड़ी सी बची थी अब्बू जान को दिया, ये बची हुई है और मैंने कौन सा खाया। ओ हाथ तिलकन तबा जो है मुझे कह रही थी कि आपकी ना आंखें जो है वो सूजी हुई हैं। मैंने कहा ये सूजी नहीं है, ये आंखें हैं। सूजी का हलवा नहीं है, मतलब कि सूजी हुई जैसे वो क्या होता है, सोजिश। सोजिश सोजिया मतलब कि आंखें आपकी मोटी मोटी हुई पड़ी हैं। तो मैंने इसे कहा कि मैंने कहा पहली बात मैंने नींद नहीं की थी रात को, फिर सुबह हुई, सुबह फिर नींद नहीं की, फिर हम चले गए 3 बजे बहावलपुर और वहां पे हम रात को 3 बजे फिर घर वापस आए, ठीक है? वो पूरी रात गई, पूरा दिन गया, फिर सुबह उठा 8-9 बजे, फिर अम्मी जान को लेने चला गया मैं जतोई शहर मुजफ्फरगढ़, तो वहाँ से मैं वापस आया, वो दिन गया वो रात गई, फिर रात इधर पहुँचा मगरब के टाइम, फिर खाना खाया थोड़ा बहुत, खाना खाया तो फिर फ़ोन आ गया, फिर रात चला गया उधर 14 अगस्त का फंक्शन रखा हुआ था हमारे यानी कि म्यूनसिपल कमेटी की जानब से और DSP SHO और असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से ना, तो उधर फिर रात चला गया, रात उधर मैं 3 बजे वापस आया हूँ, तो फिर अभी 3-4 घंटे मैंने नींद की है, तो आंखें तो फिर सूजनी है ना जब नींद ही पूरी नहीं होगी। निकालो निकालो निकालो, ओए होए चमचे क्या करेंगे यार तेरे, पता नहीं क्या यार, अच्छा नहीं खाने। हाँ यार दही तो खानी, पता नहीं क्या है मेरी ना टांग कांप रही है। अच्छा भूख की भी जाता है? नहीं सांस खत्म हो रही है, पिछले साल जो सांस मंगाई थी मेरे ख्याल वो खत्म हो गई है, अब 1 साल के लिए और मंगवानी पड़ेगी। एडवांस मंगवा के रखो। नहीं वो नाश्ता नहीं किया ना, रात टाइम से नाश्ता कर लिया था तो इसी वजह से टांगे कांप रही है। वैसे जब भी इसको भूख लगती है ना तो इसकी टांगे ऐसे कप 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 मतलब कि ये गिरने लग जाती है, फिर पकाना भी इसको खुद को होता है,
फिर बड़ा मसला बन जाता है इसके लिए कि एक तो टांगे काम नहीं करती, ऊपर से भूख लगी हुई है, तीसरे नंबर पे पकाना अब भी मैं कहती हूँ कोई बोले ना पहले, मैं चुप करके साइड पे बैठ के खाना खा लो, बाद में होगा जो भी होगी बात। अबू जान से बर्तन उठा लिए? हाँ जी। चलें फिर ले चलें ख्याल से, गर्म हो गई ना ये भी। कहाँ पे बैठना है? उधर ही कमरे में या गैलरी में या जिधर? हाँ यहाँ। अम्मी जान आपने कर लिया था नाश्ता? नहीं। आपने नहीं किया था, अभी करोगे? हाँ सही है, मैंने कहा शायद आप सुबह सुबह आपने कर लिया था, अभी तो टाइम एक बजने वाला है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फिश खाई कि उसकी सारी हड्डियाँ पसलियाँ जो है ना वो बाहर निकल आई, इतनी माशाल्लाह अम्मी ने फिश खाई। हड्डियाँ पसलियाँ माता खा लो। और बेबो जानी नींद कर गया था, फिर उठ गया, फिर इसने खाना खाया, इसने भी खाया, हम सब ने नाश्ता खाया। और इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हम नाश्ता नहीं खाएंगे, हम खाएंगे दोपहर का रोटी, मतलब दोपहर का खाना। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी इंशाल्लाह कुछ खाने पकाने का ले आते हैं, फिर इंशाल्लाह रोटी शोटी बनाते हैं, सालन बनाते हैं, फिर सब जो है ना इंशाल्लाह इकट्ठे खाएँगे। ये हमने हल्का फुल्का सब नाश्ता किया, बेबो जाने की ये फिश थी लेकिन उसने नहीं खाई, फिर हमें खानी पड़ी। हाँ जी। अभी किधर जा रहा है? नहाने जा रहा है। अच्छा, पहले मैंने कहा आ जाओ, मैं नहला दूं, कहता क्यों मैंने नहाना नहीं है, ऐसा कपड़े चेंज करने है, मैंने कमीज उतारने लगी, इसने कहा कमीज भी ना उतारा, यहाँ पे दही खड़ी है। फिर अभी मूड बना शायद नहाने के लिए, कहता कमीज उतारो मैं नहाने जाता हूँ। चलो पैंट चला लो अंदर जाके फिर नहाओ, मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज सब बहन भाई, बाय बाय जी, बाए बाए।